उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रकाश झा के बैनर से बन रही फिल्म की शूटिंग होगी, जिसको लेकर डायरेक्टर और कलाकारों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। फिर आइए जानते हैं और देखते हैं कैसी हो रही है शूटिंग की तैयारियां। इसे सुसाइड की थी, मीडिया ने इसके केस को इतना उछाला कि होम मिनिस्ट्री में इसके केस को सीरियसली लेना पड़ा, वरना अब तक तो मिनिस्ट्री इस केस को सीरियसली ले ही रही थी। हाँ, ये आपका छोटी छोटी शहरों में सिर्फ एक कंप्यूटर और एक मोबाइल की सहायता से लोग एक दूसरे को स्कैन कर रहे हैं। जमात्रा का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, आप लोगों के सामने एक फाइल पड़ी है, इसमें पिछले साल की सारी रिपोर्ट्स दर्ज हैं। आप लोग इसको स्टडी कर लीजिए, इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टीम ने सारी तैयारी की है। इस देख तो इन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमारे पास सर ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हम इन तक पहुंच सकें। ओके। ओ हेलो लूजर, कौन सी गर्लफ्रेंड? दो बार कॉफी पीने से कोई किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनती। वेट वेट, दो बार नहीं चार बार। दो बार कॉफी का बिल आधा मुझे ही देना पड़ा है। अरे मुझे लगा कि तुम फेमिनिस्ट हो, इसलिए मैंने कहा कि तुमको डिस नहीं करना चाहिए। चल बे, फेमिनिस्ट की औलाद, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और डॉली के साथ घूमने की तमन्ना रखता है। तो अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम मेरे अंदर क्यों काम कर रहे थे। सॉरी, करते थे। आप इसे कैसे छेड़ते हैं? इसको निकाल क्यों नहीं देते? जो तुम कहो डार्लिंग, बेटे कहते यू आर फायर्ड। ओके कट। होटल आप सब कन्वर्सेशन करते हैं और इस रियलिटी ये सब होता है, और ये जो सुपरवाइजर है ये सब सुन रहा है, जो मैं बोल रही हूँ ये सब सुन रहा है। और ये रहा हमारा कैबिन एरिया। मेरी बिजनेस का ओनर जो ये सब यहाँ से हैंडल करता है, पूरे सेटअप को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और ओनर को सुपरवाइजर, जो कि मैं बोली वो सब सुन रहा है। पर है कहाँ ये सुपरवाइजर? कभी दिखा नहीं, वो किसी को नहीं दिखता। वो कौन? सर पर कुछ तो करिए, हम पुलिस के अलावा और कहाँ जाएं? क्या करे पुलिस, अब तुम ही बताओ। अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो करना, अकल किसको दिखा रहा है? आपको बता दें कि कास्टिंग डायरेक्टर अष्टभुजा पांडे, एक्टर अजय सिंह ने सैकड़ों कलाकारों को स्क्रिप्ट समझाकर उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन किया। बता दें कि 18 तारीख से शूटिंग शुरू हुई है। ये शूटिंग 15 नवंबर के आसपास तक चलेगा, लेकिन 2022 में ये फिल्म रिलीज होगी। प्रकाश झा अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा जो टैलेंट है वो छोटी छोटी जगहों पे बहुत है, लेकिन किसी कारणवश मुंबई नहीं पहुँच पाता है। तो अगर ये फिल्में हमारी यूपी में आ रही हैं तो छोटे छोटे शहरों से जो टैलेंट निकल रहा है और उनको मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यहाँ फिल्में आने से सबको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हमेशा प्रकाश झा की फिल्म में दिखा गया है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि उठाते हैं, मैसेजेस उठाते हैं, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के उन्नाव भी आए हैं, तो इस मूवी में क्या कुछ खास मैसेज दिया गया है? इस मूवी में मैसेज ये दिया गया है कि आजकल जो साइबर क्राइम का फ्रॉड हो रहा है उसे आम जन लोगों जो हैं वो सजग हो जाएं, इस तरह के फ्रॉड से बचें, बस यही एक मैसेज है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर प्रकाश झा साहब की बात करें तो आप उनकी इससे पहले भी ओटीटी में पूरी सीरीज आई है आश्रम, उसमें आपने एक अहम रोल किरदार निभाया है। कब आ रहा है आपका सीजन 3 और किस तरह का होगा वो? देखिए अभी तो जयपुर का शेड्यूल ख़त्म हुआ है, दिसंबर तक का शेड्यूल है, अभी तो शूटिंग स्टार्ट है, अब देखिए अगले साल आएंगे। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है, योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया हुआ है, तो कितना मौका मिलेगा यहाँ के टैलेंट्स को और कितना बेनिफिट्स होने वाला है इंडस्ट्री में? देखिए हमारे शहर में क्या, हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें बहुत सारा टैलेंट है जो किसी मजबूरी वश नहीं जा पाता है, तो फिल्म सिटी बनने से सभी को मौका मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा और टैलेंट को एक नया मौका मिलेगा। तो योगी जी का बहुत अच्छा कदम है ये, खासकर उत्तर प्रदेश के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो
हम सबको योगी जी का धन्यवाद कलाकारों की तरफ से हम उनको कर रहे हैं कि उन्होंने जो है ये कदम उठाकर हम कलाकारों के लिए बहुत कुछ किया। उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री भी जुड़ी है, बिहार बॉर्डर है, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के जो चेयरमैन हैं राजीव श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता परोसी जाती है, हम पूरी तरह से उसको सब्सिडी देने की विरोध करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी फिल्मों का जो अब ट्रेंड है इधर कुछ बदला है। पहले आती थी अश्लीलता बहुत थी, लोगों के माइंडसेट भी वैसे हो गए थे, लेकिन इधर भोजपुरी मूवीज़ ने बहुत जो है अपने आप को सुधारा है और बहुत साफ सुथरी फिल्में दे रहे हैं। जैसे दबंग सरकार है, अभी एक आई है टेलर बाबू करके एक पिक्चर आई है, पवन सिंह भी अभी एक दो पिक्चरें लेके आ रहे हैं, बाप जी आई है पिक्चर केसारी जी की। तो भोजपुरी भी जो इंडस्ट्री अपने को बदलाव ला रही है और अच्छा है। वहीं कास्टिंग डायरेक्टर अष्टभुजा पांडे ने बताया कि फिल्म साइबर क्राइम पर आधारित है और इस फिल्म को देखकर साइबर क्राइम से होने वाले धोखे से बचाया जा सकता है। ऑडिशन तक क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ के टैलेंट्स को? देखिए, हम यहाँ पर कॉनमैन शूट कर रहे हैं जो कि प्रकाश झा प्रोडक्शन प्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी बेटी दिशा झा और मनोज जायसवाल जी इसके प्रोड्यूसर हैं। तो हम लोग दरअसल अपना हम लोग जब लोकेशन ढूंढ रहे थे तो हम लोगों ने लोकेशन अपना लखनऊ में भी ढूंढी और इसमें अपना हमने कानपुर में भी सर्च किया, लेकिन हमें उन्नाव में मगरवारा जिले में आपके मगरवारा एक इलाका है वहाँ पर अच्छी लोकेशन मिली थी। ठीक है, जहाँ पे हमें बन फैक्ट्री चाहिए थी तो वहाँ पर हमें फिर एक जमजम टेनर्स के नाम से एक फैक्ट्री मिली जहाँ पर हम उस पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, अपना सेटअप लगा रहे हैं। और ये पूरी अपनी जो कॉनमैन मूवी है ये हमारी साइबर क्राइम पर बेस्ड है, जो आजकल साइबर क्राइम फ्रॉड आप देख रहे हो कि लोगों के पास कॉल जाता है। पांडे जी, एक खास बात ये पूछना चाहेंगे कि हमेशा प्रकाश झा की जो मूवी होती है सामाजिक एक मैसेज देके आती है, तो ये मूवी में भी क्या मैसेज है और क्या कुछ मुद्दे उठाए गए हैं? हाँ, जैसे कि हर मूवी में उनका एक मैसेज होता है, इसमें भी उनको सतर्क कर रहे हैं, वो लोगों को सतर्क कर रहे हैं साइबर क्राइम फ्रॉड से। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है साइबर क्राइम फ्रॉड, ठीक है, जिसमें आपको कॉल करते हैं, आपको बताएंगे कि आपकी केवाईसी नहीं हुई है या आपका बैंक स्टेटमेंट गलत है, सारी चीजें बोलते हैं और आपसे ओटीपी मांगते हैं और उससे फिर आपका पूरा बैंक डेटा हैक हो जाता है। तो उन्हीं सारी चीजों से सचेत करने के लिए इस पिक्चर को बनाया जा रहा है ताकि लोग सचेत रहें। पहले फिल्मों की बात करें, लोग समझते थे सिर्फ मुंबई में इसका केंद्र होगा, अब उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खासकर कानपुर और उन्नाव, तो आखिर ये जो बदलाव आया है कि उत्तर प्रदेश में और छोटे शहरों में फिल्में बन रही हैं, तो इसकी क्या वजह है? दरअसल क्या है, मुंबई में तो काफी चीजें हम कैप्चर कर ही चुके हैं और हम चाहते हैं कि अब हर जगह हर शहर में हम डेवलपमेंट दें। फिल्म से बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं, ठीक है, उसमें काफी रोजगार मिलता है हमें, तो इसलिए अब हर जगह जितना भी यूपी में आपने देखा, लखनऊ में बहुत ज्यादा शूटिंग हो रही है इस समय, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो क्यों ना बाकी शहरों में भी मिले, कानपुर, उन्नाव, इलाहाबाद, बनारस। उत्तर प्रदेश में आने का एक मकसद ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर सब्सिडी मिल जाती है उत्तर सरकार? एक मकसद तो ये है, ये तो सरकार का अच्छा वो है कि जिसकी वजह से हम फिल्म लेकर यहाँ आ रहे हैं, हमें सब्सिडी भी मिलती है और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है। आपको बता दें कि प्रकाश झा के बैनर से बन रही फिल्म कौन मैन में रोल के लिए उन्नाव और आसपास के कलाकारों ने ऑडिशन लिया गया, जिसमें कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।